सो आज साल का लास्ट दिन यानी कि आज है 31st 2022। तो कल आज मतलब नया साल कल को आएगा, पुराना साल आज विदा हो जाएगा। तो मैं सारा सामान पैक करके बैठा हूँ, नीचे इंतजार कर रहा हूँ निहारिका का। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग। सो माय सोसाइटी है, गाड़ी पार्किंग से लगी है और पिछले 15 मिनट से निहारिका का वेट कर रहा हूँ कि वो आ जाए तो हम लोग निकलेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ हम लोग किधर जा रहे हैं। आपको टाइटल देख के वैसे पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं रास्ता। आज यहाँ से मैं निहारिका को आने देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉग अपना। तो निहारिका पूरे 15 मिनट लेट आई है नीचे, 15 मिनट इसका इंतजार करते रहा। तो जैसा मैंने आपको बताया था 31st है लास्ट साल, इस साल का लास्ट दिन। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं लखनऊ से बनारस। तो लखनऊ से बनारस हमारा क्या है कि यहाँ से करीब जो दूरी है वो करीब आपके 350 किलोमीटर पड़ती है लखनऊ से। देखिए अपना क्या सीन शॉट है कि हम लोग को लखनऊ से मतलब हम लोग लखनऊ से थोड़ा बाहर रहते हैं तो आउटसाइड एरिया ऑफ लखनऊ, तो हम लोग को ये किसान पथ मिल जाता है, सामने मिल जाता है। तो हम लोग को ये सीधे पहुँचाता है कुसाईगंज, तो इससे हमारी थोड़ी डिस्टेंस कम आती है ना। पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था, पहले जाना पड़ता था यहाँ से शहीद पथ पे, शहीद पथ पर हम लोग को पकड़नी पड़ती थी सुल्तानपुर। मतलब आपको अगर जाना है बनारस बाइक या कार किसी से भी, बाकी ट्रेन का तो रूट आपको पता है कि आपको चार बाग से ट्रेन लेनी है। अगर बाइक या से जाना है तो वाया सुल्तानपुर सबसे अच्छा बेस्ट रास्ता है उसका। यहाँ से आप सुल्तानपुर जाओ और सुल्तानपुर के बाद जौनपुर, जौनपुर के बाद बनारस, मतलब बीच में और भी बहुत सारी सिटी आएंगी आपको। एक बार मैं जब इससे पहले गया था, बहुत पहले, तो मैं गया था अयोध्या होते हुए गया था। अयोध्या से शाहगंज, ये आपका अकबरपुर, ये सब होते हुए फिर मैं जौनपुर निकला था। वो रास्ता काफ़ी लंबा था तो उस वक्त मेरे को रास्ते का आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि कभी कोई आदमी भटक जाए तो मैं पहले रास्ता बता देता हूँ। तो मौसम देखिए कैसा है, सुबह सुबह लगा हुआ है फॉग और मुझे लगता नहीं कि हम लोग को, मैंने वैसे तो 5 घंटे गूगल मैप पर दिखाता है रास्ता, लेकिन हमको मुझे लगता नहीं कि हम लोग 5 घंटे पहुँच पाएंगे, क्योंकि आजकल कोहरा बहुत ज़्यादा घना लगा हुआ है, उसकी वजह से क्या है गाड़ी थोड़ी चलानी पड़ेगी हल्की। तो देखते हैं यहाँ से, देखिए बनारस लिखा हुआ है 337 किलोमीटर और सुल्तानपुर 36 और लखनऊ 28 किलोमीटर इस बोर्ड में जो लिखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ से आज लखनऊ से बनारस का रास्ता आदि ब्लॉग्स में। अगर वीडियो को आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भैया हम लोग आगे सुल्तानपुर हाईवे पे, मतलब गुसाईगंज हमने क्रॉस कर लिया है, लेकिन क्या मुझे लगता था कि उधर साइड में नहर थी, इंदा नहर थी, तो मुझे ऐसा लगता कि इंदा नहर की वजह से कोहरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस पूरे हाईवे पे ही कोहरा है। अभी देखो ना सारी मतलब गाड़ी की स्पीड मुश्किल से आपको मुझे मिल रही है 40 या 45 के बीच। ज़्यादा तेज चलाना भी रिस्की है, दुर्घटना से भैया देर में पहुँचेंगे, लेकिन क्या है कि आराम से जाएंगे। पूरा रास्ता पूरा फॉगी है फिलहाल, धूप आने के चांसेस भी मेरे को कम लग रहे हैं। पूरा अगर बनारस तो ऐसे रास्ता रहेगा तो हम लोग को पता ही कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। ये पहले समस्या है, अभी हमको तेल में आना है गाड़ी में, अभी तेल गाड़ी में बिल्कुल एकदम से ख़त्म ही है समझ लो आप, करीब और भी एक क्या बोलते हैं एक पिलर निहारा है गाड़ी पर। निहारिका देखो यहाँ नाश्ता सटोड़ने में लगी हुई है। मैंने नाश्ता सुबह ही कर लिया था, पीछे नमन बैठा हुआ है, वो भी मतलब आज से ब्लॉगिंग की शुरुआत करता हूँ बोलता है ऐसा। देखो उसका ब्लॉग है, कभी चैनल का नाम नहीं सोचा लेकिन ब्लॉग पहले बना लेगा ऐसा ये बोल रहा है। फिलहाल गाड़ी चला रहे हैं मस्ती में, निकल रहे हैं शिव जी की नगरी बनारस। बहुत मन था मतलब कि कॉरिडोर बनने में, चढ़ा तो गया हूँ लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद कभी नहीं गया था। ये मन है कि एक बार कॉरिडोर देख लो तो थोड़ा आत्मा को शांति मिल जाए। हाँ बड़ा खूबसूरत लगता है बनारस। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. तो फिलहाल आ गई है धूप, हम लोग सुल्तानपुर वगैरह। सुल्तानपुर आने में अगर आपको बताऊं तो 10:46 हुआ है, अभी 11 बज गए हैं और हम लोग घर से निकले थे करीब 9 बजे, तो 2 घंटे मतलब सुल्तानपुर आने में। सुल्तानपुर की जो दूरी थी लखनऊ से वो थी करीब आपके 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो सुल्तानपुर से जो है रास्ता कट जाएगा हमारा बनारस की ओर को सीधे। अभी मैं 2 टॉल पड़े हम लोग को, तो एक में 95 रुपये हमको देना पड़ा और दूसरे में आपके 45 यानी कि उसका 50 यानी कि कुल मिला के 140 के अप्रॉक्स अभी हमको टॉल देना पड़ चुका है सुल्तानपुर तक आने तक। मतलब मैं आपको टॉल डिटेल भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पिछला ब्लॉग था हमारा बनारस वाला, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की थी कि टॉल कितने का लगा,
पेट्रोल कितने का लगा? पेट्रोल के लिए भी बताता हूँ कि अभी मैंने सिर्फ 1,000 रुपया तेल डाला हुआ है, वो भी सुल्तानपुर से बहुत पहले, और मतलब करीब 500 रुपया तेल पहले से गाड़ी में होगा, तो 1,500 रुपया तेल अभी मेरे गाड़ी में चला हुआ है। अभी हम देखते हैं कि ये तेल कहाँ तक पहुँचता है। मैं भी ये ट्राई कर रहा हूँ, मैंने आज तक अभी तेल का हिसाब किताब देखा नहीं, क्योंकि जहाँ लगता था वहाँ फुल टैंक आते थे। इस बार मैं देख रहा हूँ कि बनारस आने जाने में लखनऊ से अप डाउन करने में कितना तेल लगेगा हमको, ये भी मैं आपको पूरा बताऊँगा। लोग क्रॉस करते हैं सुल्तानपुर क्रॉस करते ही ये रास्ता हो जाता है सिंगल लेन में तब्दील, मतलब सुल्तानपुर से करीब 5-6 किलोमीटर से आगे आते हैं। अभी मतलब हाईवे का काम चल रहा है, तो उसके बाद ये रास्ता ऐसा गाँव के पीछे निकल के आता है, गाँव के पीछे निकलता है, तो इसमें लगता है आपको सबसे ज़्यादा समय। अभी मतलब बनारस करीब आपके 150 किलोमीटर और है, अभी गूगल मैप हमको दिखा रहा है कि हमको 300 किलोमीटर जाना है। क्या ना इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है। अभी तक मेरे को मतलब लगा रहा ठंडा, वहाँ जो लखनऊ में टेम्परेचर था वो था 8 डिग्री, अभी क्या बोलते हैं दिखा रहा है टेम्परेचर करीब आपके 18 डिग्री करीब, तो अभी गर्म लग रहा है, तो जैकेट मैंने उतार दी। तो सुल्तानपुर से निकले हैं वो मैं आपको दिखा रहा था, तो उसी रास्ते में अभी जाम में फंसे हुए हैं चारों, क्योंकि क्या होता है कि लोग गाड़ी डालते हैं, तो हम भी कभी कभी डाल देते हैं सही बीच में, तो उसके जाम में चक्कर में अभी फंसे हुए हैं। ये थोड़ा पैच है करीब आपके 15-16 किलोमीटर का, उसी पर ही हम लोग को थोड़ा टाइम लगना है। मैं सुल्तानपुर से लेकर जौनपुर तक आपको टाइम लगेगा, फिर जौनपुर से जैसे ही आप रेलवे लाइन क्रॉस करोगे उसके बाद आपको टाइम है। अभी जौनपुर आने वाला है कि अब तक हालात बदल गए हूँ, मैं आया था यहाँ 2021 में अक्टूबर के महीने में, तो अभी यानी कि मेरे को मैंने जब ये रास्ता लास्ट बार देखा था तो मेरे को वो समय हो गया करीब आपके यानी कि 1-2-3 महीने बीत चुका है। तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट हो गया। अभी देखिए यहाँ पर जो ये था ना, ये हाईवे बन रहा है, अभी देखिए जो हाईवे है सामने बन रहा है ना, तो इसी पे हम लोग को ये बीच में जो है सिंगल लेन वाले रास्ते पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से मेन हाईवे पे पहुँच जाएंगे जो सीधे सामने बन रहा है सुल्तानपुर की ओर को, तो यहाँ से थोड़ा हमको फिर से ट्रैफिक पड़ेगा कम। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए अपना टाइम बचाने के लिए निहारी का पूरा थर्मस भर के चाय बना के ला रही है, तो इसी के साथ साथ एक कप भी है इसी बोतल में नमक, तो मैं और निहारी का दोनों पी रहे चाय, नमन के लिए गिलास लेके आए, तो गाड़ी साथ चलते चाय का भी लुत्फ ले रहे हैं। लेकिन मेरा इच्छा था बहुत दिन से मतलब कि मैं खाऊं मन मक्खन खाए, मतलब इतने दिन हो गए मेरे को, तो मैं सोचा कि कहीं नाश्ता करेंगे और मन मक्खन खाएंगे। लेकिन हम लोग को क्या है टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी बनारस पहुँचना है, मतलब यानी कि हमारा मकसद था कि बस शाम को घाट देख लेते हैं और साथ में आपका आरती देख लेते, तो हम जल्दी पहुँच जाएँ वहाँ पे। इस चक्कर में मैं कहीं ब्रेक ले रहा हूँ, अगर ब्रेक थोड़ी थकान होगी गाड़ी चलाते चलाते तो मैं ब्रेक जरूर लूँगा। थोड़ा हाईवे भी ऐसा है, देखिए अभी हम पहले तो उस पैच से फंस गए थे, अभी हाईवे बिल्कुल अच्छा है, मतलब कुल मिला के पहले ये हाईवे बना नहीं था, अभी ये हाईवे उतना छूटा हुआ है, इतना बन गया है, क्या पता आगे कहीं और भी हमको पैच मिले ऐसे, थोड़ा हाईवे बनाया है थोड़ा नहीं बनाया, मे बी ऐसा पॉसिबल है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day. तो देखिए फिर से हम लोग जाम में फंस गए। वो हाईवे हमको फिर से एक गांव वाले रास्ते पे लेके आया, वो हाईवे पे फिर से काम चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं कादीपुर 24 किलोमीटर है, पट्टी 24 किलोमीटर है, जौनपुर 45 किलोमीटर है, और जौनपुर से जो बनारस है वो भी 45 किलोमीटर है, यानी कि अभी हमको 90 किलोमीटर अभी और जाना है, और इस रास्ते पर यानी कितने किलोमीटर और जाना है अभी, क्योंकि गांव वाला रास्ता है। नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो सब चारों ओर पोस्टर लगे हुए हैं, तो थोड़ा यहां पर है अभी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। मतलब यहां पर क्या है कि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, थोड़ा थोड़ा रेंग रेंग के चल रही है अभी फिलहाल गाड़ी। तो बाकी हम लोग को जौनपुर के अंदर से होते हुए जाना पड़ता था, और जौनपुर के अंदर से होकर आना पड़ता था, और क्या बोलते हैं तो यहां पर काफ़ी जाम लगा था हम लोग को जौनपुर के अंदर। फिलहाल बनारस देखो 65 किलोमीटर है, अगर आपको बिहार का बौद्ध गया जाना है तो 318 किलोमीटर बौद्ध गया भी है, और हम लोग ने जौनपुर पूरा शहर उस साइड है, और बहुत खूबसूरत खेत है सरसों वाले, आप देखो
तो अभी ये हाईवे पूरा कंप्लीट हो गया है, बस बीच में दो पैच बचे हुए हैं, वो दो पैच बन जाएंगे तो फिर आपको लखनऊ से बनारस आने में मुश्किल से 4 घंटे या 4.5 घंटे समय लगेगा जब हाईवे पूरा बन जाएगा एक बार। फिलहाल अभी तो आपको 5 या 6 घंटे लग जाएंगे किसी का, मेरे को भी अभी गूगल मैप बोला है कि भैया 2 बजे से पहले नहीं पहुँचोगे, तो शायद हम लोग 2 बजे से पहले पहुँचेंगे नहीं क्योंकि अभी देखते हैं 1 बज गया है। और अगर आपको प्रयागराज जाना है तो प्रयागराज जौनपुर से जो है वो करीब आपके 100 किलोमीटर है, तो आप यहाँ प्रयागराज और बनारस दोनों का आप वो कर सकते हैं, दोनों का आप टूर प्लान कर सकते हैं साथ साथ में बनारस के। Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them... मजा आ रहा है तो वही हम अपने तिरुपति पाए ढाबे में उजाला रेस्टोरेंट यहाँ पर खाते हैं खाना। एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी आता हूँ बनारस तो बनारस से मतलब करीब 30 किलोमीटर पहले है, तो यहाँ अपना खा लो फिर अपना आराम से। बनारस की गलियाँ बहुत तंग है तो अंदर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप सोचोगे कि खाना बनारस जाके खाओ तो उसमें क्या होगा कि ऐसे ही आप बनारस के ना एंटर करोगे तो 2-3 घंटे आप बनारस के जाम में। तो फिर अभी जैसे दिन के 1 बजा हुआ है तो अगर हम भाई बनारस जाते तो 1 घंटा और लगता हमें बनारस पहुँचने में और 1 घंटा और, तो यानी वो हमारा टाइम हो रहा है 3 बजे। 3 बजे फिर हम लोग लंच करते फिर रात तक ना खाया जाता है। तो ऐसा था कि पहले यहाँ खाना खा लो उसके बाद बनारस। तो इसी के साथ हमारा आ गया है लंच। हमने क्या किया कि हमने दो थाली मंगाई है, 2 थाली में 3 लोग हम लोग कवर कर लेंगे। हमने 4 रोटी है, चावल है, पनीर है, गोभी की सब्जी है, साथ में दाल है, सलाद है। तो ये हमको टोटल पड़ा है 150 रुपये का, साथ में पानी की बोतल होगी। तो समझ लिया 320 में 3 लोग आराम से बैठ के हम लोग खाना खा लेंगे। निहारिका थोड़ी बिजी हैं, कोई वो लेडीज आई भी हैं, वो इंस्टाग्राम चलाती हैं, डांस वगैरह दिखाती हैं, उनके फॉलोअर मिलियंस में हैं, तो वो निहारिका को अपना चैनल दिखा रही है। तो हम लोग यहाँ पर अपना कर रहे हैं यहाँ पर भोजन करते हैं, फिर बनारस की ओर चलते हैं वापस। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Yo, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. लोगों ने रूम लिया है होटल होली गंगा व्यू में। मैं हर साल इसी होटल में आकर रुकता हूँ तो हर साल इसका कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। इस बार इसके रूफ पे बिल्कुल ऊपर रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो रूम अंदर से वैसा ही है जैसा 100-100 बंदा होता है 80 घाट के किनारे, तो वैसा है यहाँ पर रूम है जो। लेकिन यह है कि कल भीड़ इतनी थी और कहीं बनारस में होटल नहीं मिलते घाट के किनारे, मतलब अंदर तो मिल जाएंगे लेकिन घाट के किनारे मिल सकते। तब हम लोगों ने फिर यहीं ले लिया होटल। कल थोड़ा क्या है कि 200-300 रुपये कॉस्टली पड़ा क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, देखते हैं बनारस की गलियां नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले जय जुमी, जय उत्तराखंड।